आखिरकार मेहनत रंग लाई। सुरंग में पिछले 17 दिनों से फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। श्रमिकों को बाहर लाने के बाद उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टनल में 8 राज्यों के 41 मजदूर फंसे हुए हैं। 17 दिन तक चले अभियान में देशी और विदेशी एक्सपर्ट्स ने लगातार घंटों तक काम किया और हर मुश्किल तथा चुनौती को पार किया। उन्होंने 800 MM की पाइप डालकर एक स्केप टनल बनाया जिसे मजदूर बाहर निकाले जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अंदर ही अस्थायी अस्पताल बनाया गया ताकि श्रमिकों का तुरंत मेडिकल हेल्प दी जा सके। 8 बेड और डॉक्टर्स की टीम भी तैनात है। अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ ओर्नाल्ड डिक्स ने सिल्क्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों की सुरक्षित निकाल के लिए मुख्य द्वार पर बने एक मंदिर में पुजारी के साथ पूजा भी की थी। गौरतलब है कि उत्तरकाशी जिले में चारधाम सड़क परियोजना के लिए यह सुरंग बनाई जा रही थी। दिवाली के दिन तड़के 4 बजे शिफ्ट चेंजिंग के दौरान सुरंग के मुहाने से करीब 150 मीटर अंदर टनल का हिस्सा टूट गया और मजदूर अंदर फंस गए थे।